श्रावण के महीने में खोड़ लगती है, श्रावण के महीने में खोड़ लगती है, मैं 1000 बेलपत्र शंकर भगवान को चढ़ाऊंगा। अभी अभी आप भी सुनते होगे, बोलो तो सरी जरा, विधि सवाल हो, बोलो सुनते हो कि नहीं सुनते? अरे बोलो तो जमके, सुनते हो? कोई कहेगा 1,25,000 बेलपत्र चढ़ाऊंगी, 1,000 बेलपत्र चढ़ाऊंगी, 108 बेलपत्र चढ़ाऊंगी, 500 बेलपत्र शंकर जी को चढ़ाऊंगी। शिव महापुराण में ये कहीं पर नहीं लिखा कि आप शंकर भगवान को 1,25,000 बेलपत्र चढ़ाओ। हर हर महादेव। मित्रों, हम सब महादेव को बेलपत्री का पत्ता समर्पित करते हैं। महादेव के शिवलिंग पर बेलपत्री का पत्ता हम चढ़ाते हैं, पर क्या आपको पता है कि बेलपत्री का पत्ता चढ़ाने का फल हमें कब मिलता है? इसी के बारे में आज गुरुजी ने इस वीडियो में बताया है, तो आप वीडियो को अंत तक देखिए और जो गुरुजी ने कहा है उसको पूरा सुनिए। 50,000 चढ़ाओ। शिव महापुराण में इतना जरूर लिखा है कि अगर आपने अपनी जिंदगी में एक बेलपत्री का पेड़ लगाया है तो एक बेलपत्र चढ़ाने के तुम अधिकारी हो। किसी का लगा लगाया पेड़, किसी का बड़ा सारा वृक्ष, और तुम्हारा मन कर गया 1,25,000 बेलपत्र चढ़ाऊंगी, उस बेलपत्र के सारे पत्तों को, सारे पत्र को तुमने तोड़ लिया, शिव जी को समर्पित कर दिया। बेलपत्र का वृक्ष भी सोचता है जिंदगी में एक पेड़ ना लगाया, जिंदगी में एक वृक्ष ना लगाया, जिंदगी में वृक्ष को कटवाया पर लगाया नहीं, और वृक्ष लगाया नहीं और बेलपत्री का पत्ता तुम शिव जी को चढ़ाओ, मेरा ओघरदानी स्वीकार नहीं करता। ध्यान देना, अगर शंकर को बेलपत्र चढ़ाने का शौक रखते हो और अपने मरने के बाद भी शंकर के मंदिर में बेलपत्र चढ़वाना चाहते हो तो एक बेलपत्र का वृक्ष लगाने का संकल्प लेकर अपने जीवन को आगे बढ़े कि हम भी एक बेलपत्र का वृक्ष लगाएंगे, जिससे हमारा वो लगाया हुआ वृक्ष का बेलपत्र भगवान देवदत्त महादेव को समर्पित हो सके, भगवान शिव को चढ़ सके। एक संकल्प अपने भीतर होना चाहिए, एक नया ट्रेड आ गया, एक नया क्रम चालू हो गया, 1,25,000 बेलपत्र चढ़ाएंगे। कहां से लेकर आए? तो कहा भगवान नारायण ने 108 कमल के दल भगवान शिव को समर्पित करे थे, 108 कमल के पुष्प भगवान नारायण ने समर्पित करे थे, तो हमने वहीं से ये नियम ले लिया कि 108 बेलपत्र, 108 पुष्प हम भगवान को देंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है, जरा नारायण भगवान की कथा को तो उठाओ, पहले भगवान के विष्णु पुराण का स्मरण करो। स्वयं माता लक्ष्मी जी से भगवान नारायण कहते हैं, लक्ष्मी आज मैं एक सावन के महीने में संकल्प ले रहा हूँ कि 108 कमल के पुष्प शंकर भगवान को दूंगा। तो लक्ष्मी जी ने पूछा, नाथ 108 कमल के दल रोज कहां से आएंगे? कमल के पुष्प रोज कहां से आएंगे? प्रतिदिन इतने सारे पुष्प, प्रतिदिन इतने सारे फूल जो हमें भगवान देवदत्त महादेव को समर्पित करना है, तो ये 108 कमल के पुष्प कहां से आएंगे? इतना सारा कमल का पुष्प कहां से आएगा? स्वयं मेरे नारायण विष्णु पुराण में वर्णन करते हैं, लक्ष्मी आप और हम पहले इस जलाशय में, सरोवर में कमल के पुष्प प्रकट करेंगे, कमल के पुष्प प्रकट करने के बाद फिर हम 108 कमल के पुष्प भगवान देवदत्त महादेव को समर्पित करेंगे। ये हमें सीखना चाहिए, शंकर भगवान को चढ़ाने के लिए कमल का पुष्प जब भगवान विष्णु तोड़ते हैं और भगवान शंकर को समर्पित करते हैं, उससे पहले
मेरे नारायण कमल के पुष्प को पहले जल में रोपित कर उसका विकास करते हैं, उसमें कमल का पुष्प को पैदा करते हैं, जन्म देते हैं और फिर उस कमल के पुष्प को शंकर जी को चढ़ाते हैं। ये हमारे भीतर होना चाहिए। एक बेलपत्र शंकर जी को चढ़ाऊंगी, 100 बेलपत्र शिव जी को चढ़ाऊंगी, 125,000 बेलपत्र शंकर भगवान को चढ़ाऊंगी, पर चढ़ाने से पहले इतना अंदाजा लगा कर रखो क्या हमने एक बेलपत्र का वृक्ष लगाया है, क्या हमने बेलपत्र का पौधा लगाया है। और अगर बेलपत्र का वृक्ष लगाया है तो हम शंकर जी को एक बेलपत्र चढ़ाने के अधिकारी हैं। अगर हम नहीं लगा पाए तो इस बारिश में हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम बेलपत्री का पौधा लगाएंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय महाकाल। मित्रों, आज के इस वीडियो में गुरु जी ने बेलपत्री का पेड़ लगाने के लिए बोला है। अगर आप महादेव को बेलपत्री का पत्ता समर्पित करते हैं तो आपको अपनी जिंदगी में एक बेलपत्री का पेड़ जरूर लगाना चाहिए, तभी आपको बेलपत्री का पत्ता चढ़ाने का पुण्य फल प्राप्त होता है। अब यहाँ गुरु जी ने यह नहीं कहा कि आप जो पेड़ लगा रहे हैं उसी का पत्ता तोड़ के आपको चढ़ाना है। पत्ता आप किसी भी पेड़ का तोड़ के चढ़ा सकते हैं, पर अपनी जिंदगी में एक पेड़ जरूर लगाएं। अब यह बेलपत्री का जो पेड़ लगाना है वो आप कहीं भी लगा सकते हैं, जहाँ भी आपको उचित लगे। आपके नज़दीक में कोई पार्क है तो आप उसमें भी बेलपत्री का पेड़ लगा सकते हैं। कोई स्कूल है जिसमें अगर जगह है पेड़ लगाने की तो आप वहाँ भी बेलपत्री का पेड़ लगा सकते हैं। आप अपने खेत में बेलपत्री का पेड़ लगा सकते हैं, किसी नहर के किनारे, सड़क के किनारे, किसी मंदिर में, जहाँ भी आपको जगह मिले उस जगह आप बेलपत्री का पेड़ लगा सकते हैं। पेड़ लगाने के बाद आपको उसकी संभाल भी करनी है। जब तक पेड़ बड़ा ना हो जाए तब तक आपको उसमें पानी भी डालना है, उसका ध्यान रखना है। कुछ लोग क्या करते हैं, पेड़ तो एक नहीं 5-6 लगा देते हैं पर उसके बाद उसकी संभाल नहीं करते, तो उनमें से एक भी पेड़ कामयाब नहीं होता, बड़ा नहीं होता। इसलिए आप जो भी बेलपत्री का पेड़ लगाएं उसकी अच्छी तरह से देखभाल करें। आगे सावन का महीना आ रहा है, सावन के महीने में अगर आप पेड़ लगाते हैं, बेलपत्री का एक भी पेड़ लगाते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा पुण्य फल प्राप्त होता है। तो आज ही आप प्रण लीजिए कि इस सावन के महीने में आप एक बेलपत्री का पेड़ जरूर लगाएंगे। मित्रों, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अंत में आप सबसे यही कहूँगा कि अगर गुरुजी द्वारा बताए गए किसी भी उपाय से आपको लाभ हुआ है तो कमेंट में पूरी डिटेल के साथ जरूर बताना, जिससे दूसरे लोगों को पता लगे कि कौन से उपाय से क्या लाभ होता है। और अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय महाकाल। सब बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।